नमस्कार, मैं हूँ किरण अरोड़ा और आज मैं आके बैठी भाजपा प्रत्याशी श्री ब्रिजेंद्र सिंह की डॉटर के साथ, जिन्होंने हाल ही में 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है 98% के साथ, और जो कि ना केवल हिसार के लिए बल्कि पूरे हरियाणा के लिए बहुत गर्व की बात है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन रहा है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी इनके साथ हमेशा चला है, और किससे इनको प्रेरणा मिली है, और हरियाणा की बाकी लड़कियों को इनका क्या मैसेज है। नमस्कार कुदरत। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो कुदरत, आपको सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या मिली इतनी मेहनत करने के लिए? आपका सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन है आपकी फैमिली में से? अजीत की दोनों ही मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही अहम रोल निभाया है मेरे एग्ज़ाम्स के टाइम पे, और ख़ासकर मेरे पिताजी, क्योंकि उन्होंने खुद भी हिस्ट्री जैसे पढ़ रखी थी कॉलेज में, तो उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और चाहे वो सिलेबस के बाहर की किताबें लाना हो या मेरे साथ बैठ के घंटों तक बातें करना हो इस विषय के ऊपर, उन्होंने मेरा बहुत सहारा दिया। और इसी सब्जेक्ट में नहीं बल्कि मैथ्स में पहले मैं काफ़ी वीक थी, क्योंकि मैंने एक साल के लिए मिस किया था स्कूल, क्योंकि हम लंदन गए हुए थे, मेरे पापा वहाँ पर एक कोर्स कर रहे थे। जब हम वापस आए तो यहाँ पर बहुत अलग था सब कुछ, तो जब मैंने शुरू किया तो मैं बहुत ही ज़्यादा वीक थी मैथ्स में, और मेरा ये हाल हो गया था कि मैं बहुत रो रही थी और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं छोड़ दूँ इस सब्जेक्ट को। लेकिन फिर वो मेरे पिताजी थे जिन्होंने मेरे को सहारा दिया, जिन्होंने मेरे को ये विश्वास दिलाया कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो सब ठीक हो जाएगा। और अंत में आई थिंक उन्हीं की मोटिवेशन की वजह से मेरे 93 आए मैथ्स में। ओके, तो मतलब फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर रहा हो स्टडीज को लेके, कि मतलब नॉर्मली जितने भी फैमिलीज है उसमें प्रेशर रहता है कि नहीं आप इतना घंटा स्टडीज करो तब आपके इतने परसेंटेज आएंगे, आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर था? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये ज़रूर था कि हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी पढ़ाई को हमेशा, कि चाहे वो पढ़ाई हो चाहे स्पोर्ट्स हो, वो सबसे ऊपर रहना चाहिए और बाकी सब कुछ उसके बाद आता है। लेकिन ये ऐसा कभी नहीं था कि ऐसे 10 घंटे पढ़ो 12 घंटे पढ़ो, मैं अपने 5-6 घंटे लगाती थी, लेकिन जो भी मैं करती थी वो मैं अच्छे से करती थी। ऐसा मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला था कि ऐसे करना, तो मैंने ऐसे किया और फिर उसका जो परिणाम था वो मिला मेरे को रिजल्ट। तो मतलब आप देख सकते हैं जैसे कि जो मंत्री होते हैं, जो मतलब सिलेक्ट होते हैं, उनके बच्चे काफ़ी सफर्स करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उनसे मतलब कांटेक्ट नहीं होता उनके पेरेंट्स का काफ़ी टाइम तक, वो बहुत लोनली फील करते हैं। तो क्या आपने ऐसा कभी महसूस किया कि आपको जब अपने पेरेंट्स की ज़रूरत थी और वो ना मिले हो आपको अपने काम के दौरान? देखिए, मेरे पेरेंट्स दोनों प्रोफेशनल्स हैं, वो 8-8 घंटे ऑफिस में रहते थे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बना के रखा कि जब वो वापस आते थे काम करके तो सारा उनका समय हम दोनों, मेरे और मेरे भाई पे रहता था, और इस समय में स्पेशली मेरे पे। चाहे वो जब मैं ब्रेक भी लेती थी अपनी पढ़ाई से तो मैं आके उनके साथ बैठती थी, 1 घंटा हो गया, 1/2 घंटा हो गया, और एक वो ही बहुत ही पॉजिटिव एटमोसफेयर उन्होंने बना के रखा मेरे लिए घर पे, और कभी कोई प्रेशर नहीं था, खाली मोटिवेशन थी। तो कुदरत, आपका तो फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी टाइट रहा है, मतलब आपके दादाजी मंत्री हैं, काफ़ी कुछ है, तो आपको उन्होंने सपोर्ट किया है, पर जो अपने हरियाणा में लड़कियां हैं जो पढ़ सकती हैं पर उनके पास इतना फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि वो आगे जाके पढ़ने, तो उनका क्या मैसेज है आपकी तरफ से उनको, कि उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और आप और आपके पिताजी क्या सोचते हैं उनके बारे में कि वो लड़कियाँ कैसे पढ़ेंगी कैसे बढ़ेंगी लाइफ? देखिए, हमारे घर में तो कभी कोई डिफरेंस रहा नहीं है इस लड़का लड़की को लेके, और मेरे पिताजी ने भी हमेशा यही इंश्योर किया कि पढ़ाई में सबसे आगे रहना चाहिए, जब आप, क्योंकि एबिलिटी सब में होती है, लेकिन जो पीछे से सपोर्ट है वो सबको नहीं मिल पाता। और स्पेशली हरियाणा में हम देख सकते हैं कि लड़कियों की अभी स्थिति काफ़ी ख़राब है, जो इम्प्रूव हो रही है लेकिन अभी भी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। तो मैं तो अपने पिताजी को ज़रूर ये कहूँगी कि वो ऐसी कुछ नीतियाँ ज़रूर अपनी प्रायोरिटीज़ में रखें, जो लड़कियों की, चाहे वो फ्री हो गई चाहे वो जैसे भी, कंसेशनल एजुकेशन में ज़रूर फोकस करें। वैसे आपका नाम तो बहुत अच्छा है कुदरत, आप बता सकते हैं कि मतलब कुदरत नाम रखा किसने? मेरा नाम मेरे पिताजी ने रखा था, उनकी बहुत ही इच्छा थी कि अगर लड़की होगी तो ज़रूर उसका नाम कुदरत रहेगा। ऐसा क्यों? पता नहीं, आई थिंक उन्हें बस नाम ये जब उन्होंने पहली बार सुना कहीं पे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और फिर
तो आई थिंक कि उनको कुदरत ज़्यादा पसंद होगी, नेचर, प्रकृति से बहुत प्यार होगा, इसलिए आपका नाम उन्होंने कुदरत रखा। हो सकता है। हाँ, जैसे कि आपके दादाजी हैं, वो भी काफ़ी फेमस चेहरा है हम सबके बीच में, वो भी काफ़ी फेमस है, उनके पास भी टाइम की बहुत कमी रहती होगी, तो क्या आप ये बता सकती हैं कि आपके पिताजी में और आपके दादाजी में से आपको सबसे ज़्यादा टाइम और प्यार किसने दिया? देखिए, वो दोनों अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि चाहे पिताजी अपने काम के बाद आपके मेरे को समय देते हों, या फिर दादाजी, जब भी मेरा कोई एग्ज़ाम था तो उससे पहले वो ज़रूर मेरे को 15 मिनट के लिए मोटिवेट करते थे फोन, और विश करने के लिए फ़ोन ज़रूर करते थे। मेरी दादी भी बतौर विधायक, क्योंकि वो बहुत ही उनके दौरे चलते रहते हैं और बहुत काम उन्हें करना होता है, फिर भी वो ज़रूर मेरे को हर एग्ज़ाम से पहले फ़ोन करती थी, बल्कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले भी उनके 2-3 बार मेरे को, क्योंकि आना तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है चंडीगढ़ से और दिल्ली ऊपर नीचे करना, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर किया कि हमेशा वो मेरे को फ़ोन करते थे और ये आश्वासन दिलाते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अपनी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। जैसे कुदरत, आपकी पूरी फैमिली राजनीति से जुड़ी हुई है, श्री छोटू राम जी से लेकर आपके जो पिता हैं विजेंद्र सिंह, वो भी अब उतर चुके हैं राजनीति के मैदान में, तो आप उनके लिए क्या अपील करना चाहते हैं हिसार वासियों से, पूरे हरियाणा वासियों से? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे मेरे पिताजी ने अपनी बतौर अधिकारी नौकरी की थी पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, वो वैसे ही हिसार के लोगों के लिए अब काम करने वाले हैं उनके सांसद बनके, अगर उन्होंने उन्हें मौका दिया तो। और मैं हिसार के लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि 12 मई को आने वाले इलेक्शन के लिए वो ज़रूर, मोदी जी ने जो विकास का पहिया शुरू किया है पिछले 4.5 सालों से, उसको वो ज़रूर आगे बढ़ाने का काम करें और 12 मई को भाजपा को वोट करें। धन्यवाद। तो ये थी हमारी बातचीत भाजपा प्रत्याशी श्री विजेंद्र सिंह की डॉटर से, और इनसे बात करने के बाद आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि हमारे छोटे